इस गवाही को अपने माइंड में सेट कर लो। क्या कर लो? क्योंकि परमेश्वर आज्ञाओं का नियमों का परमेश्वर है। आज्ञाओं को तोड़ोगे, नियम में नहीं रहोगे तो फंसोगे। हालेलुया। इस बहन का नाम सुखविंदर कौर है और जमीनसर मोदल गांव के रहने वाले हैं और इनके साथ इनकी बेटी है। और जिस बहन की गवाही जे बता रहे कि एक महीना हो गया था इनको फीवर की प्रॉब्लम थी, बुखार की प्रॉब्लम थी, जिसके कारण जे बता रहे कि इनके घुटनों और इनके पाँव के जॉइंट्स में, इनके जोड़ों में इतनी दर्द थी कि जे बता रहे कि जे चल नहीं सकते थे, इनके इनको बैठने में बहुत प्रॉब्लम थी, जब खड़े होते थे तो इनसे खड़े नहीं हो पाते थे, इतनी ज़्यादा दर्द की प्रॉब्लम थी। और जब बता रहे कि जी बहुत ही मेडिसिन खा रहे थे पर इन्हें फ़र्क नहीं पड़ा था, और जिसके कारण फिर इनको हॉस्पिटल में जाना पड़ा। और जब बता रहे कि जी हॉस्पिटल में एडमिट रहे तो जब बता रहे कि 20 दिन इन्होंने कुछ नहीं खाया, जे सिर्फ एक सेब और पानी ही पीते थे और उसके अलावा जो कुछ नहीं खा सकते थे, इनका मन ही नहीं करता कुछ खाने के लिए। और जब बता रहे कि इतनी मेडिसिन खा रहे थे, फीवर उतर नहीं रहा था और जिसके कारण जी बहुत परेशान थे। और इनके बच्चे भी प्रेयर कर रहे थे और जो भी प्रार्थना कर रहे थे पर इनकी प्रार्थना का कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, क्योंकि बार बार हालात इनका बढ़ रहा था और हालात के कारण इनका मन नहीं लग रहा था, इनका विश्वास डाउन हो रहा था, जिसके कारण जी बहुत ही परेशान हो चुके थे। और जब बता रहे कि जैसे फिर इनके बच्चों ने प्रेयर टावर में कॉल की और इन्होंने बताया, तो जब बता रहे कि जी बहन काफ़ी प्रॉब्लम थी इनको फीवर के कारण, तो जब बता रहे कि जैसे इतनी प्रॉब्लम थी तो इनको टीम ने टीच किया, उत्साहित किया कि आप अपना ड्रिप लगाकर आप संगति में आ जाओ, क्योंकि जे बता रहे थे कि हम मीटिंग में नहीं आ सकते, हम हॉस्पिटल में। तो इनको बोला गया कि आप ड्रिप लगाकर आपने आज की मीटिंग को अटेंड करना है। और जैसे फिर इनको मैसेज दिया गया और इन्होंने विश्वास से जी मीटिंग में आए, इन्होंने मीटिंग को अटेंड किया, तो जब इन्होंने फिर पर्सनल परमेश्वर के दास के साथ जब मीटिंग की, तो जे बता रहे कि जैसे परमेश्वर के दास ने इनको उत्साहित किया, क्योंकि जे सिस्टर को बताया कि जो कि परमेश्वर में हमें हर समय बने रहना चाहिए, तो क्योंकि जे 1.5 महीना हो गया था कि जे संगति को उन्होंने अटेंड नहीं किया था, कोई एक भी 1.5 महीने में एक भी संडे की मीटिंग इन्होंने अटेंड नहीं की थी, जिसके कारण जब इनके पर हालात, इनकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई, तो फिर जे बहुत परेशान हो चुके थे। फिर जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनको टीच किया, उत्साहित किया कि आप आज ही अपने मन को फिराएं, इनके लिए कोई भी प्रार्थना नहीं की गई, इनको अंगीकार कराया गया कि जो कि जैसे बाइबल में भी लिखा है कि 6 दिन अपने काम करो और 7वां दिन हम परमेश्वर को उसकी महिमा के लिए दें। तो जब बता रहे कि जैसे इन्होंने जब बता रहे कि जब परमेश्वर के दास ने इनको अंगीकार कराया कि आपने कोई भी आज से विश्वास करना और अपने मन को फिराना कि हर संडे की मीटिंग को अपने अटेंड करना, मिस नहीं करना, परमेश्वर के साथ आप वादा करें, अंगीकार करें। तो जैसे इन्होंने परमेश्वर के साथ वादा किया, अंगीकार किया, तो जे बता रहे कि उस दिन ही परमेश्वर की सामर्थ्य इनको छुआ, जो कि जे बता रहे कि प्रॉब्लम सही नहीं हो रही थी, और उसी हफ्ते में ही परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से आज़ाद कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो कि इनका फीवर नहीं उतरा था, इनके जॉइंट्स, इनके जोड़ों में दर्द होती थी, खा नहीं कुछ भी रहे थे, पच नहीं रहा था। और जब बता रहे कि उस दिन से इन्होंने खाना पीना भी शुरू किया, अभी चल फिर रहे, अपने आप उठते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दर्द नहीं है, परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से आजाद कर दिया। इस गवाही के लिए जो परमेश्वर के दास और परमेश्वर का दिल से धन्यवाद करते, हम सब अपने हाथों को जोर से उसको दमन परमेश्वर की तारीफ करेंगे और अपने हाथों को हिलाएंगे। कितने लोगों को इस गवाही से कोई समझ आई है? क्या समझ आई है? क्या समझ आई इस गवाही से? गवाही एक जीवित वचन है, बोलो क्या है? जैसे इस वचन में बहुत से जो काम खुदावंद ने किए वो लिखे गए हैं, बोल क्या है? पर आज की ये ताजा वचन है, अगर यही वचन जैसे लिखा कि
पतरस की सांस जबर से बुखार से पीड़ित थी और उसकी हालत बहुत खराब थी, वो चारपाई पे थी। यीशु मसीह आए, उसने छुआ, यीशु मसीह आए और उसने छुआ और उसका उसी समय जबर उतर गया। जबर मतलब बुखार। और लिखा वो यीशु की सेवा टहल करने लगी, यीशु की सेवा टहल करने लगी। इसलिए जब परमेश्वर आपको हील करता है वो इसीलिए चंगा करता है ताकि आप उसकी महिमा करो, उसकी सेवा करो। सुनो, इस गवाही में एक पॉइंट था कि हालात जो इनके ऊपर आया, जो फीवर हो गया, जो आजकल ये बहुत क्या है, बोल गए सब लोगों को ये बुखार हो रहा है ना, इसे बोलते चिकनगुनिया। जिसको भी होता उसके हाथ पांव के ज्वाइंट दर्द करने लगते हैं। बोलो क्या करने लगे, आज तक हमने इसी संगति में कितनी गवाहियां सुन ली, आज सुबह भी शायद पहले भी सुनी है ना, पहले भी इस पर दी है ना गवाहियां जी, और आज तक कितनी गवाहियां हम सुन रहे हैं। पर मैं आपको एक चीज आज बताता हूं कि इनके ऊपर हालात आने का कारण क्या है, क्योंकि 1.5 महीना ये लगातार संगति में नहीं आए। क्या नहीं आए? 1.5 महीना ये लगातार संगति में नहीं आए। क्यों नहीं आए, क्या कारण है, क्या हुआ, ये इन्हें पता होगा। क्यों परमेश्वर ने कहा है कि 6 दिन अपने काम करना, 7वां दिन किसी के साथ बताना। जो वचन दिया जब तक हम पूरा नहीं करेंगे तो फंसेंगे। जकूब की पत्री में लिखा, आप नोट करना चाहते हो कर लो, उसका 1 अध्याय उसकी 13 आयत से, जब किसी की परीक्षा हो तो ये ना समझो कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर किसी की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषा में खिंचकर फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो ये भी पढ़ गए, आप पता नहीं है कौन सी अभिलाषा है, क्या चीज है, हो सकता आलस भी हो, क्या हो सकता है आलस भी हो, चलो कोई बात नहीं मुझसे बैठा नहीं जाता, हाँ हो सकता है, बहुत सी बातें हो सकती हैं, पर फंस गए। बोलो क्या है, फंस गए। कितनों को समझ आ रही है? इसीलिए 3 यूहन्ना उसकी 1:2 में लिखा है, वहां पे परमेश्वर कहा ही मेरी ये प्रार्थना है, वहां पे ऐसे लिखा है, पर यूनानी शब्द में ओरिजिनल टेस्टमेंट में हिब्रू में वो शब्द है, परमेश्वर ने कहा मेरी उत्तम चाहत है, वहां पे तो प्रार्थना शब्द है, पर कैसे है, मेरी उत्तम चाहत है कि जैसे तू आत्मिक उन्नति करे वैसे ही तू सब बातों में उन्नति करे और तेरा शरीर क्या रहे भला चंगा रहे। अब क्यों जरूरत है आत्मिक उन्नति करने की, आत्मिक उन्नति होती कैसे है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। बोल गए आत्मिक उन्नति होती कैसे, बोल गए प्रार्थना करने से आत्मिक उन्नति है, चर्च आने से आत्मिक उन्नति होती है, वचन को सुनने से पढ़ने से क्या होती है, परमेश्वर की हर आज्ञा को मानने से क्या होती है आत्मिक उन्नति होती है, अन्य भाषा से भी क्या होती है उन्नति होती है। ये सारे उन्नति के पॉइंट है, जब हम करेंगे तो परमेश्वर का यह वादा है, आमीन। बोलो क्या है, परमेश्वर का वादा है, वादा है। मुझे हर साल जुकाम, मुझे मेरी आदत है, मुझे जुकाम जब लगता तो बड़ा क्या है, इस पूरा साल खुदा ने मुझे संभाल के रखा है, पूरा साल। क्यों? क्योंकि वचन को पूरा कर रहा हूं। इनके ऊपर ये प्रॉब्लम आने का यही कारण है, कितनी हालत इनकी खराब होगी, बोलो क्या होगी, कितनी हालत, खाना पीना छूट गया, बोलो बॉडी में इतनी वीकनेस आ गई, कमजोरी आ गई, अब चला फिरा नहीं जाता, हाँ लगातार मेडिसिन ड्रिप तो लगवा रहे हैं पर कोई उससे भी आराम नहीं मिल रहा, फिर बोलो क्या नहीं मिल रहा,
अब हॉस्पिटल में जा रहे हैं, ड्रिप सब मेडिसिन सब कुछ हो रहा है, इलाज तो चल रहा है पर हो नहीं रहा कुछ। बोलो क्या है, उससे भी कोई आराम नहीं मिल रहा। इस बेटी को फोन दो, सॉरी फोन बोला मोबाइल। जय मसीह की। थोड़ा बताओ, जब आप हॉस्पिटल में थे आपने बताया कि आप लगातार प्रार्थना तो कर रहे थे पर उसका रिजल्ट नहीं आ रहा था। कर रहे थे ना, सारा परिवार कर रहे थे, हाँ जी, मम्मी भी कर रही थी, फिर सब कर रहे थे पर कोई भी रिजल्ट प्रार्थना का मिल, जब मेडिसिन चल रही है, ड्रिप लग रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के, क्योंकि ये बेटी अच्छे से खुदा के वचन को समझती है, ये अच्छा इसका विश्वास है, अच्छा रिश्ता इसका परमेश्वर के साथ, पर फिर भी जब पाप होता है, जब तक पाप से मन नहीं फिराएंगे तो किसी भी प्रेयर का रिजल्ट नहीं मिलता। तो ये कर तो रहे थे पर रिजल्ट नहीं मिलता। फिर ये टीम से बात हुई तो उन्होंने कहा ठीक है, अब अगर ऐसा नहीं हो रहा तो आप ऐसा करो, अब वहां पे छुट्टी लेकर कुछ समय के लिए मीटिंग में आ जाओ। तो फर्स्ट बार ये मीटिंग में आए, उसके बाद मेरी इनके साथ पर्सनल मीटिंग हुई, और जब मीटिंग हुई तो मैंने कोई प्रार्थना नहीं की। बोलो कोई प्रेयर, कोई प्रार्थना नहीं की, जस्ट मैंने इनको बोला कि मन फिराओ, बोलो परमेश्वर माफ कर, आइंदा नहीं करूंगा। क्यों, यही कहा था ना, कोई प्रार्थना तो नहीं की, कोई प्रार्थना नहीं की, क्या कहा था, मन फिराओ कि आगे से ये गलती नहीं हो। जो पहले गलती कर ली, डेढ़ महीना परमेश्वर से दूर होकर, कितना, डेढ़ महीना दूर होकर अब दोबारा नहीं गलती करूंगी। जैसे मन फिराया और खुदा से वादा किया, उसी दिन से परमेश्वर का अनुग्रह आ गया। आज और कल और दो परसों और बिल्कुल ही, फिर कोई मेडिसिन की जरूरत नहीं, फिर कोई मेडिसिन, कोई ड्रिप की जरूरत नहीं पड़ी, परमेश्वर ने भला चंगा कर दिया। अब कोई ज्वाइंट दर्द नहीं करते, पैरों में बाजू में कोई दर्द नहीं है, कोई फीवर नहीं, कोई बुखार नहीं है, पूरी तरह से फ्री है और भले चंगे हैं। ये है जीवित परमेश्वर, ये है उसका जीवित वचन जो लोगों को जीवन देता। कितनों को समझ आई है, इस गवाही को अपने माइंड में सेट कर लो, क्या कर लो, क्योंकि परमेश्वर आज्ञाओं का, नियमों का परमेश्वर है। आज्ञाओं को तोड़ोगे, नियम में नहीं रहोगे तो फंसोगे। कितनी मेरी बात समझ आ रही है, कितनी मेरी बात समझ आ रही है। और मेरा विश्वास है इस गवाही से परमेश्वर आपको बड़ा प्रतिफल देगा। तारीफ कर दो, जोर से अपने हाथों को उठाकर तारीफ कर दो। जोर से, जोर से, जोर से आपके हाथ। लश्कर खुदा मेरी जान रखवाला। आमीन। ओके, तो अब याद रखना है, घर की दीवार पे लिख कर रख लो। इसलिए जब इजरायलियों को परमेश्वर ने छुड़ाया गुलामी से तो अपने दास मूसा के द्वारा कहा कि मेरे वचनों को अपनी चिंगाठों पर लिख लो ताकि तुम गलती ना करो, और लिख कर रखना ताकि भूल ना जाना फिर दोबारा। ओके, परमेश्वर बरकत दे।